असलामुअलैकुम। आज 21 अप्रैल 2023 को मैं एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्वालिटेटिव कंपेरेटिव एनालिसिस के नाम से। इसकी एब्रीविएशन है QCA। पूरे कोर्स के अंदर मैं इसे QCA के नाम से ही कॉल करूँगा, तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। QCA मीन क्वालिटेटिव कंपेरेटिव एनालिसिस। अच्छा, जो मेरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उन्हें इस बात का अंदाजा होगा कि यूनिवर्सिटीज के अंदर जो कोर्सेज मुझे ऑफर किए जाते हैं उनका ताल्लुक क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड से होता है। तो काफी ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं कोई कंटेंट अपलोड करूँ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड से रिलेटेड। अब क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड खुद एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो मैंने ये सोचा है कि हर टॉपिक की अलग से एक प्लेलिस्ट बना ली जाए। ये जो प्लेलिस्ट है ये स्पेसिफिक होगी क्वालिटेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस रिलेटेड, मींस इसमें हम सिर्फ QCA को डिस्कस करेंगे, इसके अलावा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अंदर ग्राउंडेड थ्योरी, एपिस्टेमोलॉजी, एथनोग्राफी, केस स्टडी, नैरेटिव्स और कोई चीज डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ QCA डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं बस आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि इस कोर्स के हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, इस कोर्स के सीखने के बाद आपको किन किन चीजों का पता चल जाएगा और ये कोर्स इनको सीखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं लर्निंग आउटकम से। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया, ये जो पूरा कोर्स है ये पूरे का पूरा कोर्स मैं रिकॉर्ड करूंगा, मतलब मैं उस्मान अली बराइज, और मैं किसी गेस्ट स्पीकर को नहीं इनवाइट करूंगा। तो ये पूरा का पूरा कोर्स मैं खुद रिकॉर्ड करूंगा, मतलब इस कोर्स से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज है तमाम के तमाम मैं खुद ही रिकॉर्ड करूंगा। चलिए, ये है इसके लर्निंग आउटकम। अच्छा, जो पहला लर्निंग आउटकम है ना वो ये है कि हम QCA की मेथोडोलॉजिकल फाउंडेशन को समझें। दूसरी जबान में QCA के रिसर्च प्रोसेस को समझना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी नेचर क्या होती है, मतलब ये कि क्या ये मेथड क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों रिसर्च में यूज होगा, या जैसे नाम में ही क्वालिटेटिव मेंशन है तो क्या ये सिर्फ क्वालिटेटिव में यूज होता है या फिर क्वांटिटेटिव में भी यूज होता है। तो अगर ये क्वांटिटेटिव में यूज होता है तो किस तरह यूज होगा, किन किन बातों का ख्याल रखा जाएगा, इसका प्रोसेस क्या होगा, तो ये तमाम चीजें हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है। दूसरा जो इसका लर्निंग आउटकम है वो ये है कि एनालिटिकल फाउंडेशन क्या है इसकी। ये बहुत टेक्निकल है, इसको समझने के लिए आपको कुछ प्री रेक का पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ कॉजलिटी कौन कौन सी होती है, कितने टाइप्स की होती हैं। जब हमने रिसर्च मेथड का कोर्स पढ़ा था उसमें हमने तीन किस्म की पढ़ी थी, हमने एब्सोल्यूट कॉजलिटी पढ़ी थी, कंडीशनल कॉजलिटी पढ़ी थी, कंट्रीब्यूटिव कॉजलिटी पढ़ी थी। तो इन उन तीनों की एप्लीकेशन इसके अंदर बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको डिग्री ऑफ कॉजलिटी का नहीं पता तो पहले आपको मेरी वो वीडियो देखनी पड़ेगी जिसके अंदर हमने डिग्री ऑफ कॉजलिटी पढ़ा है, क्योंकि उससे समझे बिना ये चीज नहीं समझी जा सकती। तो दूसरा इसका लर्निंग आउटकम ये है कि इसका डेटा एनालिसिस कैसे होता है, इसका कंक्लूजन कैसे निकलते हैं। तीसरा इसका लर्निंग आउटकम ये होगा कि QCA के फीचर्स क्या क्या है, मतलब किस कंडीशन में हम इसको यूज करेंगे, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बहुत सारे मेथड है रिसर्च करने के, यही क्यों यूज करें, मतलब क्या पर्टिकुलर सिचुएशन होगी तो हम ये यूज कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। होता है ना, हर टेक्निक का किसी न किसी के ऊपर कोई ना कोई बेनिफिट होता है, तो इसके अंदर हमें ये समझना पड़ेगा किस तरह का डेटा है, क्या रिसर्च क्वेश्चन है, किस तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो हम इसको यूज करेंगे। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टर्मिनोलॉजीज। इसको सीखते हुए हमें बहुत सारी न्यू टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी। अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजीज तो ऐसी होंगी जो हमने पहले से पढ़ी होंगी लेकिन किसी और नाम से, यहाँ पर वही कंसेप्ट आ जाएंगे किसी और नाम से। मिसाल के तौर पे हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ा हुआ है, लेकिन QCA के लिटरेचर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंडीशन कहा जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल को आउटकम कहा जाता है। अच्छा, ये जो आउटकम का वर्ड है ये आपके लिए नया नहीं होगा, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल को आउटकम वेरिएबल कह देते थे, लेकिन ये जो कंडीशन का वर्ड है ये आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च में कम देखा होगा। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट को प्रिडिक्टर कह देते थे, रिग्रेसर कह देते थे, कॉज कह देते थे, बहुत सारे नाम थे,
लेकिन कंडीशन का वर्ड नहीं था। तो इस कोर्स के अंदर हमें बहुत सारी न्यू टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलेगी, वो साथ साथ में डिस्कस करता रहूंगा कि किस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है, किस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है। अच्छा, आखिरी चीज कि ये कोर्स किन्हें सीखना चाहिए। बेसिकली ये कोर्स उनके लिए डिजाइन किया गया है जिनको क्यूसीए की नॉलेज या तो सीधे से नहीं है या तो बहुत लिमिटेड नॉलेज है। अब इस कोर्स को पढ़ने के लिए हम जो टेक्स्ट बुक यूज करेंगे वो ये वाली है। इस टेक्स्ट बुक का लिंक मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगा, आप क्लिक करेंगे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। 370 पेजेस की बुक है, काफी डिटेल में है और इस टॉपिक के लिए काफी बेहतर बुक है ये। अच्छा, दूसरी बात ये, जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मेरी बहुत सारी वीडियो प्राइवेट में होती है, मतलब वो ऑडियंस को शो नहीं होती है। ये जो इंट्रोडक्शन की वीडियो होती है ये तो पब्लिक में होती है, मतलब हर कोई देख सकता है। लेकिन इस प्लेलिस्ट में बाकी जितनी भी वीडियोज है वो फिलहाल प्राइवेट है, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता मैं पब्लिक करूंगा। डिपेंड करता है कि कब पब्लिक करूं, लेकिन ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो कि अभी फिलहाल पब्लिक के लिए अवेलेबल है, बाकी सारी वीडियो प्राइवेट है। इंशाल्लाह जब 20-30 वीडियोस एक साथ मैं अपलोड कर दूंगा तो उसे उसके बाद एक साथ इन सब को इंशाल्लाह मैं पब्लिक करूंगा। बाकी इस वीडियो देखते हुए अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, कोई सजेशन आता है, तो इस फर्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने अपनी तमाम डिटेल्स दी हुई है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं या फिर फेसबुक पेज के ऊपर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि मैं इस टॉपिक से डेविएट नहीं करूंगा। मीन अगर किसी चीज को समझाने के लिए किसी और टॉपिक की रिक्वायरमेंट हुई, कोई प्रीरेक हुआ, तो मैं इनकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाल दिया करूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये डेटा एनालिसिस समझने के लिए हमें डिग्री ऑफ कॉजालिटी का पता होना जरूरी है, तो इन वीडियोस में मैं डिग्री ऑफ कॉजालिटी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैक्सिमम मैं ये कर दूंगा कि इस वीडियो के अंदर लिंक शेयर कर दूं अपनी दूसरी वीडियो का जिसके अंदर वो प्रीरेक वाला टॉपिक एक्सप्लेन किया गया हो।